ऋषि सुनक के पीएम बनने पर भारत में खुशी की लहर है, तो वहीं पाकिस्तानी भी इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुनक भारतीय मूल के हैं, हिंदू हैं, इसलिए हमारे यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में क्यों जश्न मनाया जा रहा है, इसे आप इस वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे। पहले सुनक के पारिवारिक इतिहास को समझते हैं। दरअसल सुनक के दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। आज पंजाब का वो हिस्सा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के गुजरांवाला में एक पंजाबी खन्नी परिवार में उनके दादा रामदास सुनक का जन्म हुआ था। आजादी से पहले उन्होंने गुजरांवाला छोड़ दिया और इसी इतिहास ने पाकिस्तान को जश्न मनाने का मौका दिया है। पाकिस्तान के लोग दावा कर रहे हैं कि सुनक का परिवार पाकिस्तान से है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में कई जगह उन्हें प्राउड हिंदू बताया जा रहा है। उधर पाकिस्तान वाले भी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाले अधिकतर ट्वीट इस तरह के हैं, जिसमें सुनक के गुजरांवाला वाले इतिहास को दोहराया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान को इस पर साझे रूप से गर्व करना चाहिए। सुनक के परिवार वाले जब पंजाब प्रांत में रहते थे, उस समय वो हिंदुस्तान में था। दूसरा तर्क और एक सवाल यहाँ ये भी है कि अगर सुनक का परिवार पाकिस्तान में ही रहता, तो क्या आज़ादी के बाद हुए बंटवारे में वो पाकिस्तान में ही रहता? हालांकि इसकी संभावना कम है। बंटवारे के बाद ज्यादातर हिंदू परिवार पाकिस्तान से पलायन कर आज का गुजरांवाला तंग गलियों से घिरा हुआ एक भीड़ भाड़ वाला घनी आबादी वाला शहर है, जो कपड़े, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक जैसी दुकानों से भरा हुआ है। बंटवारे से पहले शहर में एक बड़ा और संपन्न हिंदू समुदाय रहता था। जब यहाँ सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, तो कई हिंदू, सिख और मुसलमान पलायन करने को मजबूर हुए। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुनक का परिवार भी यही करता, यानी कि पलायन ही करता। अगर इस पर बहस की जाए तो चर्चा काफी लंबी हो सकती है। भारत में कई ऐसे उच्च पदों पर लोग हैं जिनका जन्म या यूं कहें कि उनका परिवार पाकिस्तान में रहता था, लेकिन बंटवारे के बाद भारत में उनका परिवार आ गया। तो क्या पाकिस्तानी इन लोगों के लिए भी सेलिब्रेट करते हैं? अब देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को ही ले लीजिए। इनकी पृष्ठभूमि पाकिस्तान से है, बाद में वो भारत आ गए। क्या उनके उप प्रधानमंत्री बनने या बीजेपी प्रेसिडेंट बनने पर पाकिस्तान के लोगों ने सेलिब्रेट किया था? शायद नहीं किया होगा। ऐसे एक नहीं, तमाम उदाहरण हैं। ऐसे में सुनक पर पाकिस्तान का दावा कितना सही है, आप इसे समझ सकते हैं और आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। वैसे केवल भारत और पाकिस्तान ही नहीं, केन्या के लोग भी सुनक के पीएम बनने पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिता का जन्म नैरोबी में हुआ था। तो सुनक के पीएम बनने पर ब्रिटेन ही नहीं, कई देशों में खुशी की लहर है। हमारी तरफ से भी सुनक को ढेर सारी शुभकामनाएं।